गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नाउ यहाँ पर आज हम स्टेटर टेज के डिज़ाइन के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। हमने देखा था कि इंडक्शन मोटर में तीन प्रकार के स्टेटर स्लॉट्स होते हैं। पहला आपका ओपन स्लॉट रहेगा, दूसरा आपका सेमी ओपन और सेमी क्लोज स्लॉट रहेगा, और जो थर्ड है वो क्लोज स्लॉट रहेगा। सेमी ओपन स्लॉट में ओपन स्लॉट और क्लोज स्लॉट दोनों के फीचर्स वहाँ पर रहते हैं। ओपन स्लॉट में आपका लार्जर एयर गैप रहेगा, जिसके वजह से आपका रिलक्टेंस हायर रहेगा। तो आपका रिलक्टेंस हायर है, इसका मतलब ऑपोजिशन टू जो टू फ्लक्स वो आपका हायर होगा, ठीक है। बट सेम टाइम पे क्या हो रहा है, हमारा रिएक्टेंस कम हो रहा है। अगर रिएक्टेंस कम हो जाएगा तो आपका वोल्टेज ड्रॉप अपने आप ही कम हो जाएगा, और जैसे ही आपका वोल्टेज ड्रॉप कम हो रहा है आपके शाफ्ट पे हायर आउटपुट आपको मिलेगा। पर क्लोज स्लॉट में अगर आप देखोगे तो क्लोज स्लॉट में आपको क्या दिख रहा था कि आपका एयर गैप कम था, एयर गैप कम था, रिलक्टेंस आपका कम था, पर वहां पर रिएक्टेंस हायर था, ठीक है। अगर आपका लीकेज रिएक्टेंस अगर हायर होगा तो आपका वोल्टेज ड्रॉप हायर होगा, वोल्टेज ड्रॉप अगर हायर होगा तो आपका शाफ्ट पे जो आउटपुट आपको मिल रहा है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इंडक्शन मोटर में सेमी ओपन और सेमी क्लोज स्लॉट पे जाएंगे। वे सेमी ओपन और सेमी क्लोज स्लॉट में सारे फीचर्स है आपके ओपन और क्लोज स्लॉट के, ठीक है। अब ये आपका सेमी ओपन और सेमी क्लोज स्लॉट है, तो यहाँ पर देखिए ये इसका स्लॉट ओपनिंग है। अब जो आपका स्लॉट रहता है उसका डेप्थ रहेगा और उसका विड्थ रहेगा। अगर आपको स्लॉट के एरिया को फाइंड करना रहा तो उस केस में क्या होगा, आपका डेप्थ इनटू विड्थ ऑफ स्लॉट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये स्लॉट की ओपनिंग यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी शुड नॉट एक्सीड 1.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि अगर आपकी फ्लक्स डेंसिटी अगर इंक्रीज हो गई तो उस केस में क्या प्रॉब्लम होगा, आपके फ्लक्स का जो वेवफॉर्म होगा, मतलब जो आपका फ्लक्स रोटर के आसपास घूम रहा है वो डिस्टॉर्टेड रहेगा, उसमें हार्मोनिक्स रहेंगे, और साथ में जो आपका इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर आपका कम हो जाएगा। पावर फैक्टर अगर कम हुआ तो करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा, करंट का वैल्यू यदि अगर इंक्रीज हुआ तो वहाँ पर आई स्क्वायर आर लॉस आपके इंक्रीज हो जाएंगे। हीट लॉस अगर इंक्रीज हुआ तो सिस्टम जो आपका इंडक्शन मशीन है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर अगर बढ़ गया, थर्मल लिमिट को क्रॉस कर दिया, तो वहाँ पर दो वाइंडिंग्स के बीच में आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है, वो होने की पॉसिबिलिटी रहती है वहाँ पर। इसलिए यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी जो स्टेटर टीथ या आपका स्लॉट ओपनिंग है, स्लॉट ओपनिंग को हम स्टेटर टीथ भी बोल सकते हैं, तो स्लॉट ओपनिंग के पास जो आपका फ्लक्स डेंसिटी है वो 1.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर के ऊपर जाना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये एक लिमिट यहाँ पर दिया है इसको कि 1.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब इस टीथ के पास जो आपका फ्लक्स डेंसिटी रहेगा वो 1.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अब उसके लिए कितना मिनिमम आपका स्टेटर टीथ का विड्थ रहेगा वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर टीथ एरिया पर पोल कैसे निकलेगा, हमें एक रिलेशन पता है फाइ इक्वल्स टू बी इंटू ए, ठीक है। अब उसमें एरिया अगर हमने निकालना है तो क्या होगा, आपका रिलेशन फाइ अपॉन बी हो जाएगा, तो फाइ एम अपॉन 1.7 आ जाएगा। टोटल एरिया पर पोल को हम दूसरे प्रकार से भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल होगा इनटू नेट आयरन लेंथ होगा इनटू मिनिमम विड्थ ऑफ द स्टेटर टीथ। मतलब यहाँ पर आपने मैक्सिमम जो आपकी फ्लक्स डेंसिटी है उसका आपने मैक्सिमम वैल्यू यूज किया है। यहाँ पर हम स्टेटर टीथ के डिजाइन के बारे में पढ़ रहे हैं। स्टेटर टीथ एक्चुअली वो होता है आपका जो स्लॉट का ओपनिंग है, ठीक है। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को अगर आपने इक्वेट किया तो उस केस में आपका मिनिमम विड्थ ऑफ द स्टेटर टीथ आ जाएगा, क्या आएगा, फाइव एम अपॉन 1.7 इंटू स्लॉट्स पर पोल इंटू नेट आयरन लेंथ। तो ये आपका स्टेटर टीथ का फॉर्मूला है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे हमें याद रखना है। सो जो पहला पॉइंट है वो पेरिफेरल स्पीड का है। पेरिफेरल स्पीड मतलब वो स्पीड जो आपके पेरिफेरी पे रहती है, ठीक है। तो पेरिफेरी अगर हम बात करेंगे तो वहां पर सर्कमफेरेंस आएगा, तो उस केस में जो आपका स्पीड रहेगा वो आपका लीनियर स्पीड रहेगा, ठीक है। सो वी ए विल बी इक्वल्स टू पाई डी इंटू एन एस।
अब यहाँ पर जो ns है वो सिंक्रोनस स्पीड इन दी RPS है, रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड में। अब स्टेटर स्लॉट का शेप हम देखेंगे। हमने देखा था कि इंडक्शन मोटर में सेमी ओपन या सेमी क्लोज स्लॉट आपके यूज होंगे, या आपका सेमी ओपन है और सेमी क्लोज भी है। यहाँ पर एक स्लॉट रखा हुआ है, ठीक है। अब स्टेटर स्लॉट में आपका स्लॉट स्पेस फैक्टर आएगा, मतलब आपने स्टेटर स्लॉट में कितना आपने कॉपर का कंडक्टर या कॉपर का कॉइल को आपने वहां पर रखा है, ठीक है। तो स्लॉट स्पेस फैक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कॉपर इन अ स्लॉट अपॉन एरिया ऑफ अ स्लॉट। तो यहां पर ये क्या है, एरिया ऑफ स्टेटर कंडक्टर और कितने नंबर ऑफ यहां पर कंडक्टर्स है। यहां पर जो आपको फिगर दिख रही है, इसके स्लॉट में सिर्फ एक ही कंडक्टर है, पर अगर आपके पास डबल लेयर वाइंडिंग रहेगी तो वहां पर दो कंडक्टर्स रहेंगे। अगर मान लो यहां पर चार कंडक्टर्स रहेंगे, एक यहां पर है, दो तीन चार अगर कंडक्टर्स रहेंगे, तो उस केस में आपका जो स्लॉट स्पेस फैक्टर रहेगा वो AS into 4 रहेगा। इसका मीनिंग क्या है, कंडक्टर पर स्लॉट, ठीक है। अब ये यहां पर AS है, AS मतलब एरिया ऑफ अ स्टेटर स्लॉट, ASS, ठीक है। अब यहां से हमारा एरिया निकल जाएगा, एरिया ऑफ स्टेटर स्लॉट, ठीक है। अब यहां पर देखो डेप्थ और विड्थ का रेशियो जो है वो हमें अज्यूम करना है, क्योंकि अगर हमें डेप्थ और विड्थ को फाइंड करना है तो उस केस में यू विल हैव टू अज्यूम द रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ द स्लॉट अपॉन विड्थ ऑफ द स्टेटर स्लॉट, ठीक है। अब स्लॉट पिच क्या होगा, जैसे आपका पोल पिच था वैसे ही आपका यहां पर स्लॉट पिच रहेगा, मतलब दो कॉन्सिक्यूटिव स्लॉट के बीच का डिस्टेंस, उसको हम बोलेंगे स्लॉट स्टेटर स्लॉट पिच। तो उसको हम y डबल s से रिप्रेजेंट करेंगे। अब फॉर्मूला क्या है, जैसे पोल पिच का फॉर्मूला था, अगर आपके पास p पोल्स है तो फॉर्मूला क्या था आपका, पाईडी अपॉन p। यहां पर स्लॉट पिच क्या रहेगा, पाईडी अपॉन ss रहेगा, तो वो रहेगा आपका स्टेटर स्लॉट पिच, ठीक है। नाउ अगर हमें स्टेटर स्लॉट पिच को आगे हमें मिनिमम जो आपका विड्थ ऑफ स्टेटर टीथ है उसके रिस्पेक्ट में अगर लिखना है तो कैसे हम लिखेंगे इसको, तो WTS विल बी इक्वल्स टू व्हाट। अब देखो यहां पर, यहां मैंने तीन स्टेटर स्लॉट को मैंने ड्रॉ किया है। तीन स्टेटर स्लॉट में आपके एक एक यहां पर कंडक्टर्स है। ये जो आपका फर्स्ट स्लॉट है इसमें एक कंडक्टर है, इसमें दूसरा कंडक्टर है, थर्ड कंडक्टर है, ठीक है। ये क्या रहेगा, ये इसका विड्थ रहेगा और ये इसका डेप्थ रहेगा, और दो स्लॉट के बीच में जो आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रहता है उसको हम स्टेटर स्लॉट पिच बोलते हैं। तो वो आपका YSS रहेगा, ठीक है। तो YSS कितना रहेगा, WTS मतलब क्या, जो स्लॉट ओपनिंग का विड्थ है उसको हम WTS बोलते हैं। सो WTS विल बी इक्वल्स टू YSS माइनस WSS, ठीक है। अब कितना यहां पर आयरन लेंथ लग रहा है, मतलब स्टेटर स्लॉट को जब हमने स्टेटर कोर में बनाया है तब उसके अंदर कितना आपका आयरन का लेंथ आपका लग रहा है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है 0.9 माइनस एल माइनस विड्थ ऑफ रेडियल वेंटिलेटिंग डक्ट। ये वेंटिलेटिंग डक्ट का मीनिंग क्या होता है, जो आपका स्टेटर स्लॉट है वहां पर स्टेटर की वाइंडिंग रहेगी, जब आपने स्टेटर में वोल्टेजेस प्रोवाइड किए तो करंट आपका फ्लो होगा, करंट से आपका आई स्क्वायर आर लॉस होकर होगा, तो वहां पर हीट रहेगा। तो उस हीट को अगर हमें बाहर लेके जाना है तो वहां पर कूलिंग डक्ट हमें लगाने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि आपकी एयर जो है वो डिसिपेट हो, ठीक है। अभी यहां पर हमने गिवन डेटा हमने यहां पर लिखा है जो आपके प्रॉब्लम में दिया है, ठीक है। तो प्रॉब्लम में क्या दिया, आपका 25 HP 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज है, और जो आपका स्टेटर वाइंडिंग है वो डेल्टा कनेक्टेड है। इसका मतलब जो आपका लाइन वोल्टेज रहेगा वही आपका फेस वोल्टेज रहेगा, ठीक है। मतलब ये आपका जो 415 वोल्ट है ये आपका लाइन वोल्टेज है, और 25 HP की मोटर हमें डिजाइन करने का है। नाउ NR कितना है, 1440 RPM, BAB कितना है, 0.45 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और AC मतलब आपका एम्पियर कंडक्टर्स, मतलब आपने जो स्टेटर के स्लॉट है उसमें कितने आपने कंडक्टर्स को वहां पर प्लेस किया है, और उस उन कंडक्टर में से कितना करंट आपका फ्लो हो रहा है। फिर यहां पर एफिशिएंसी आएगा 90%, पावर फैक्टर आपका 0.89 आएगा। फिर विड्थ ऑफ रेडियल वेंटिलेटिंग डक्ट यहां पर 16 mm दिया है, L/τ इक्वल्स टू 1 आपका हो जाएगा, जो आपका आखिरी था, रोटर कोर लेंथ इक्वल्स टू रोटर पिच, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए हम, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अगेन सिंपल कि हमें वॉल्यूम ऑफ एक्टिव पार्ट हमें निकालना है। अब वॉल्यूम ऑफ एक्टिव पार्ट मतलब क्या रहेगा, यहाँ पर डी और एल होता है, सो डी स्क्वायर एल विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी जीरो इंटू एन एस। ठीक है, अब यहाँ पर सी जीरो क्या है, आपका आउटपुट कोएफिशिएंट है, जिसके अंदर आपके एवरेज फ्लक्स डेंसिटी भी आएगा और आपका एम्पियर कंडक्टर्स भी आएगा। तो यहाँ पर स्टेटर वाइंडिंग फैक्टर यहाँ पर दिया है क्या इस प्रॉब्लम में, नहीं दिया है, सो उस केस में आप 0.955 को अज्यूम कर लो। ठीक है, तो 11 इंटू 0.45 इंटू 25 इंटू द पावर 3, 0.955 इंटू द पावर -3, तो उस केस में आपका आउटपुट कोएफिशिएंट निकल जाएगा। अब सिंक्रोनस स्पीड यहाँ पर दिया नहीं है, ना ही आपके पोल्स दिए हैं, तो जिस प्रॉब्लम में आपका सिंक्रोनस स्पीड और नंबर ऑफ पोल्स आपके नहीं दिए रहेंगे, उस केस में हमें नियरेस्ट सिंक्रोनस स्पीड को अज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपका रोटर का स्पीड है वो कितना है, 1440 आरपीएम। हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा था कि अगर आपके पास दो पोल्स अगर रहेंगे तो 3000 आरपीएम आपका रहेगा सिंक्रोनस स्पीड, अगर आपके फोर पोल्स रहेंगे तो 1500 आरपीएम रहेगा, अगर आपके सिक्स पोल्स रहे तो वहां पर 1000 आरपीएम का सिंक्रोनस स्पीड रहेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखो 1440 है, अब इसके पास वाली कौन सी स्पीड रहेगी, 1500 या 3000 या आपका 1000। सो नियरेस्ट सिंक्रोनस स्पीड आपकी 1500 रहेगी, 1500 रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1500 हमने लिया है, फिर जो आपका सिंक्रोनस स्पीड आया है उससे आप नंबर ऑफ पोल्स को निकालो, ns इज इक्वल टू 120 f बाई पी होता है, तो यहाँ पर p इक्वल टू क्या आ जाएगा, 120 f अपॉन ns आ जाएगा। ठीक है, सो ये rps में निकल जाएगा आपका, फिर इससे आपका d स्क्वायर l इतना आ जाएगा। ठीक है, अब ये होने के बाद कैलकुलेशन ऑफ नो सेपरेशन ऑफ डी एंड एल, तो वहां पर एल बाय टॉ इक्वल टू 1 दिया है, अगर दोनों को अगर हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर दो इक्वेशंस है, दो अननोन्स हैं, फिर टीपीएच इज इक्वल टू ईपीएच अपॉन 4.44 एफ इंटू 5 इंटू स्टेटर वाइंडिंग फैक्टर। अब यहाँ पर देखो जो आपका फेज वोल्टेज है वही आपका लाइन वोल्टेज है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो स्टेटर वाइंडिंग है वो आपके डेल्टा में कनेक्टेड है, तो डेल्टा में क्या रहेगा, डेल्टा में वोल्टा कांस्टेंट मतलब वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, सो ईपीएच विल बी इक्वल्स टू ईएल इक्वल्स टू 415 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर फ्लक्स पर पोल हमें निकालना है, तो बीएवी इंटू टॉ इंटू एल निकाला है, अगेन जो आपका टॉ है वो आपका पोल पिच रहता है, सो पाईडी अपॉन पी, अगर आपकी पी पोल की आपकी इंडक्शन मोटर अगर रहेगा तो वहां पर पाईडी अपॉन पी रहेगा। ठीक है, तो फाइम आप उससे निकाल लीजिए, फिर टीपीएच कितना आएगा, 151.7406। हमने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि अगर आपका 0.5 के ऊपर अगर रहेगा तो आप हाईएस्ट, तो उसका नियरेस्ट इंटीजर आप लीजिए, हाईएस्ट नियर इंटीजर लीजिए, तो यहाँ पर जो आपका टर्न्स आ रहे हैं वो 151.7406 रहेगा, तो उस केस में आपका 152 टर्न्स आपके आएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, आपका ZS है, फिर SS है, फिर आपका ZSS है। ठीक है, तो ZS मतलब 6 टर्न्स पर फेज, तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि एक कॉइल को दो टर्न्स लग रहे हैं और यहाँ पर तीन फेजेस इन्वॉल्व है, तो 6 टर्न्स पर फेज, तो 6 इंटू 152 कितना आएगा, सो 912 कंडक्टर्स आर देयर इन दी स्टेटर वाइंडिंग ऑफ इन द स्टेटर साइड ऑफ द इंडक्शन मोटर। अब यहाँ पर SS का मीनिंग क्या है, स्टेटर का स्लॉट, S सबस्क्रिप्ट है यहाँ पर, तो QS इंटू नंबर ऑफ फेजेस इंटू नंबर ऑफ पोल्स, तो QS आपका 3 क्यों लिया है, यहाँ पर जो आपका किलोवाट रेटिंग आ रहा है वो 100 किलोवाट से आपका कम आ रहा है, तो यहाँ पर QS आपका 3 हो जाएगा, SS यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ पर कंडक्टर्स पर स्लॉट आपके हैं, तो ZS अपॉन SS आप निकाल लीजिए, तो कितने कंडक्टर्स आएंगे, 25 कंडक्टर्स पर स्लॉट आपके निकल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका फिर एरिया हमें निकालना है, तो एरिया के लिए I अपॉन डेल्टा, देन Q इज इक्वल्स टू 3 EPH IS टू द पावर -3, तो यहाँ से आपका IS निकल जाएगा, ये Q है, ये आपका KVA रेटिंग है जो आपके इनपुट पोर्ट के लिए रहेगा। अब यहाँ पर इनपुट पोर्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल पोर्ट, जो आपका इंडक्शन मशीन है वो आपकी टू पोर्ट मशीन है, ट्रांसफार्मर भी आपका टू पोर्ट था, पर ट्रांसफार्मर में दोनों पोर्ट्स आपके इलेक्ट्रिकल थे, जबकि इंडक्शन मोटर में आपका एक पोर्ट इलेक्ट्रिकल है और दूसरा पोर्ट आपका मैकेनिकल है। ठीक है, तो यहाँ पर IS निकल जाएगा 18.69 एम्पियर। ठीक है, अब A इक्वल्स टू I अपॉन डेल्टा होता है, डेल्टा अगर नहीं दिया होगा तो आपको मिडिल वैल्यू या आपका एवरेज वैल्यू जो है वो हमें लेना पड़ेगा। ठीक है,
अब शेप ऑफ स्टेटर स्लॉट, अब जो स्टेटर स्लॉट का शेप रहेगा उसमें डेप्थ भी रहेगा और उसमें विड्थ भी रहेगा, ठीक है। तो पहले हमें एरिया ऑफ स्टेटर स्लॉट निकालना पड़ेगा। अब एरिया ऑफ स्टेटर स्लॉट का सिंबल क्या है, ASS है, ठीक है ना। यहाँ पर स्लॉट स्पेस फैक्टर कितना रहेगा, इसका रेंज था स्लॉट स्पेस फैक्टर का वो 0.24 टू 0.4 के बीच में वेरी हो रहा था, जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू थी आपके 0.4। तो अभी हमने क्या अज्यूम किया कि जो आपका स्लॉट है उसमें 40% का कॉपर का एरिया है, ठीक है। तो स्लॉट स्पेस फैक्टर आपका 0.4 रहेगा, ठीक है। तो अभी 0.4 इक्वल्स टू ये वाला वैल्यू आएगा, तो यहां से आपका ASS निकल जाएगा। अभी आपने AS निकाला, AS का मतलब क्या है कि स्टेटर कंडक्टर का कितना एरिया रहेगा, एक स्टेटर कंडक्टर का एरिया। और इसका मीनिंग क्या है कि एक स्लॉट में कितने नंबर ऑफ आपके कंडक्टर्स है, वो भी आपको पता है, ठीक है। जो आपने स्टेप 4 से निकाला या आपने स्टेप 5 से निकाला, तो ये ASS आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो आपका ASS है उसमें डेप्थ, हमारा मेन एम क्या है, टू फाइंड डेप्थ एंड विड्थ ऑफ द स्टेटर स्लॉट। तो यहाँ पर डेप्थ और विड्थ तो यहाँ पर दिया है, पर यहाँ पर दो अननोन्स है, तो दो अननोन के लिए हमें एक और इक्वेशन चाहिए। तो अज्यूम DSS अपॉन WSS इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो यहाँ पर DSS इक्वल्स टू 4 WSS, ठीक है। तो यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। तो दोनों को अगर आपने सॉल्व किया तो उस केस में आपका डेप्थ भी निकल जाएगा और आपका विड्थ भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके स्टेटर स्लॉट का, जो आपका स्टेटर का स्लॉट है, जो आपका सेमी ओपन आपने लिया है, इंडक्शन मोटर में सेमी ओपन स्लॉट ही लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि उसमें ओपन स्लॉट और क्लोज स्लॉट के सारे फीचर्स वहां पर होते हैं, ठीक है। वायसेस क्या है, आपका स्लॉट का पिच है, ठीक है। अब हमारे पास ये स्टेटर, जो आपका स्टेटर टीथ है उसका फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है ना, जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था। तो पी फाइव अपॉन SS इंटू WTS इंटू LI। अब यहाँ पर जो WTS है उसका फॉर्मूला क्या था आपके स्टेटर स्लॉट पिच के रिस्पेक्ट में, YSS माइनस WSS। बट हमें ये वाला वैल्यू आपका अननोन है, या आपका स्लॉट पिच है, स्टेटर का स्लॉट पिच है ये, तो कैसे निकालेंगे, पाईडी अपॉन SS। अगर पोल पिच रहता था तो वहां पर पाईडी अपॉन पी आता था कि नंबर ऑफ पोल्स था वहां पर, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ स्लॉट्स है, तो यहाँ पर पाईडी अपॉन SS आएगा, ठीक है। तो YSS यहाँ से आपका निकल जाएगा, जैसे आपका YSS निकल गया WTS आपका निकल जाएगा, तो मतलब YSS माइनस WSS, तो क्या आ जाएगा 0.0102 मीटर। अब यहाँ पर ये जो आपका मिनिमम, ये जो आपका स्टेटर टीथ का विड्थ है, इसके लिए कितना फ्लक्स डेंसिटी आएगा वो आपको निकालना है। और हमें पता है कि जो भी आपकी फ्लक्स डेंसिटी आएगी वो 1.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए, ठीक है ना, वो उसका लिमिट है, हाईएस्ट वैल्यू है उसकी। अगर उसके ऊपर गया तो आपका जो स्टेटर वाइंडिंग है वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो अपने BTS है इसमें 1.019 वेबर पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर LI, यहाँ पर हमें निकाला है क्योंकि LI हमारा यहाँ पर था, तो यहाँ पर विड्थ ऑफ रेडियल वेंटिलेटिंग डक्ट आप पर दिया था 60 मिलीमीटर, तो वो आपने यहाँ से निकाल लिया इस फॉर्मूले से, और यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूट किया है, तो यहाँ पर आपका 1.019 वेबर पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, जो आपका 1.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर से कम है। सो इस तरीके से हम स्टेटर स्लॉट का जो शेप है उसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने डिजाइन ऑफ स्टेटर टीथ देखा, फिर शेप ऑफ स्टेटर स्लॉट देखा, और कुछ उस पर प्रॉब्लम्स देखे, ठीक है।